उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नए एसएसपी पवन कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गाजियाबाद में पवन कुमार से पहले अमित पाठक गाजियाबाद के एसएसपी थे। मुरादाबाद से आए नए एसएसपी पवन कुमार ने प्रेस वार्ता करके अपनी रणनीति साझा की। एसएसपी पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाजियाबाद में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए कार्य किया जाएगा, जिससे गाजियाबाद की जनता की समस्या का जल्द निस्तारण किया जा सके। साथ ही आने वाले समय में पुलिस की कमियों को दूर करने के लिए कार्य किए जाएंगे। गाजियाबाद में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, यही प्रयास रहेगा। अगर ये मान के चल दिया जाए कि समाज सहयोग नहीं देगा, पब्लिक सहयोग नहीं देगी और खाली 5,000 पुलिस वाले हैं अपने अकेले दम पे सब कुछ कर जाएंगे, तो ये उम्मीद ही ना रहे थे, उम्मीद ही रह गए थे। जब तक कि इसमें जो सरकारी सिस्टम है फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए। समाज है वो डेमोक्रेसी में खुद लीड लेके वो समस्याओं को खुद खुशी होगी। उस दिन जिस दिन समाज के लोग मिलकर मुझे कानून और अपराध के बीच लोग मिलकर आएंगे और कहेंगे कि हम लोग कोऑपरेट करके इसको खत्म करते हैं, अभी तक वो ऐसे लोग कम आते हैं पुलिस के पास। असल गाजियाबाद के लिए सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्या चुनौतियां आप गाजियाबाद में चुनौतियां देखते हैं? अभी तो कल माया समीक्षा चली रही है, बाकी कानून व्यवस्था और अपराध दो ही मेन शब्द रहते हैं जिनके इर्द गिर्द पुलिस रहती है, ट्रैफिक भी उसी का हिस्सा। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के 3 आईपीएस अफसर का तबादला किया गया है, जिसमें गाजियाबाद के एसएसपी का तबादला भी हुआ है। बुधवार को गाजियाबाद के नए एसएसपी पवन कुमार ने अपना कार्यभार संभाला है।